दोस्तों नमस्कार। आज मैं दिनेश पटेल भैया जी के पास में आया हुआ था। एग्रीकॉनिक मशीनरीज करके उनकी यहाँ पर एक बहुत बड़ा शोरूम है और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद पहुँचाने के लिए वो कार्य करते हैं। विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं जिसका लाभ जो है किसानों को जानकारी के अभाव में मिल नहीं पाता है। तो ऐसी जानकारियाँ और ऐसी काफ़ी सारे कृषि यंत्र जिससे उन हर किसान का जो है कार्य बहुत ही आसानी से हो जाता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा फसल ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारी योजनाओं के बारे में जो है हमारे दिनेश पटेल भैया जो है जानकारी देते हैं और आज उनके शोरूम पर हम लोग हैं यहाँ पर। तो उनसे ही हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार की मशीनरीज और किस प्रकार की सब्सिडी जो है किसानों के लिए उपलब्ध है भैया। थैंक यू प्रशांत भैया। हम यहाँ कुशालपुर पे हैं। एग्रीकॉनिक मशीनरीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हमारी संस्था है। कुशालपुर चौक पे इंडियन कॉफ़ी हाउस के बाजू पे है और हम कृषि यंत्रों के क्षेत्र में हम ए टू जेड, मतलब एक तरह से देखा जाए तो हम देखते हैं जैसे कि कोई भी बीज हम बोते हैं तो बीज उसके लिए क्या होता है, पहले उसके जड़े के लिए हमको सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ता है। तो सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास जैसे देखा जाए तो रोटावेटर है, एमबी प्लाउ है, कल्टीवेटर है और पावर वीडर है, इस टाइप के इक्विपमेंट है। उसके बाद सॉइल के प्रिपरेशन के बाद जब बीज उस पर पैदावार करके जब पौधा बड़ा होता है तो इसमें इरिगेशन के लिए जो यंत्र की जरूरत पड़ती है जैसे पंप है, तो एग्रीकल्चर पंप जो होता है, वाटर पंप, इलेक्ट्रिक पंप, ये सब चीज़ भी हमारे पास सब्सिडी में उपलब्ध है। सब्सिडी में जो है शासन की तरफ से 75% के आसपास सब्सिडी आती है और वो भी हमारे पास उपलब्ध है। उसके बाद हम जैसे देखते हैं कि पौधा है जैसे बड़ा होता है तो उसमें क्या होता है, कीट बाधा के जो जो कीट बाधा होता है वो सब चीज़ें जो पड़ती है उसके लिए जो स्पेयर और ये सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है, तो बैटरी स्पेयर, पावर स्पेयर, एचटीपी स्पेयर, ये सब चीज़ भी हमारे पास उपलब्ध है। उसके बाद फिर जो पौधा बड़ा हो जाता है, हार्वेस्टिंग का समय आता है तो रीपर और जो वीड्स है, वीड्स के लिए जो वीड लगता है, ये सब चीज़ें भी हमारे पास उपलब्ध है। और इसके बाद फिर थ्रेसर और बाकी चीज़ें हैं, वो चीज़ें भी फिर प्रोसेसिंग करने के लिए राइस मिल और बाकी चीज़ें भी होती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आप देखेंगे, ओवरऑल देखेंगे तो किसानों के जो भी समस्याएं हैं जिसका निदान कृषि यंत्रों से किया जा सकता है वो सब चीज़ें हमारे पास उपलब्ध होती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम सब्सिडी के साथ यंत्रों को देते हैं और सेल आफ्टर सर्विस की सुविधा भी हमारे पास है। किसी भी प्रकार के यंत्र हम जो सेल करते हैं उसकी सेल आफ्टर सर्विस की पूरी हम व्यवस्था करके रखे हुए हैं, तो इस पर पार्ट बाकी सब चीज़ें उपलब्ध होती है, उचित मूल्य पे उपलब्ध है। थैंक यू दिनेश भैया। जितने भी हमारे पास में कृषि यंत्र है क्या उसमें कोई ईएमआई वगैरह की फैसिलिटी वगैरह भी अवेलेबल है बैंक या फिर फाइनेंस कंपनियों के साथ में कोई टाई अप वगैरह? हमारा जो है चोलामंडलम टीडीएस और बाकी कंपनियों के साथ टाई अप है, लेकिन वो क्या है कंपनी वाइज है ना, तो हम कोटेशन प्रोवाइड करते हैं। कई बार आप अपने बैंक के खुद के बैंक से भी जाके उस कोटेशन के बेस पे फाइनेंस करा सकते हैं और जो प्राइवेट फाइनेंसिंग एजेंसी है उसका भी आप हमारे पास से ले सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो साथियों, अगर आपके पास आपके आसपास जो भी किसान हैं जो अपनी कृषि से संबंधित समस्याओं से जो है पीड़ित है और वो कहीं सही मार्गदर्शन की अगर तलाश कर रहे हैं तो एग्रीकॉनिक मशीनरीज प्राइवेट लिमिटेड जो कि कुशालपुर चौक में रायपुर में स्थित है, आप बिल्कुल वहां पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे दिनेश पटेल भैया और उनकी पूरी स्टाफ की टीम जो है आपकी मदद के लिए सदैव तत्पर है। आपको बेस्ट रेट और बेस्ट सर्विस जो है सब कुछ मिलेगा, सिर्फ एक जगह एग्रीकॉनिक मशीनरीज भूलना मत। थैंक यू।